सब्सक्राइब कीजिए इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल को इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर और इस घंटी को दबाइए ताकि आप पास के हर नई सरकारी नौकरी एडमिट कार्ड एग्जाम रिजल्ट से जुड़ी सूचनाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। आज की इस वीडियो में आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अगर आपने अभी तक इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नहीं जो है अच्छे से रीड किया है तो जल्दी से यहाँ से डाउनलोड करके आप जो उसे रीड कर लीजिए और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें जो है एक बार पढ़ लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस पेज का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पेज पर आ जाएंगे या फिर आप जो है सिंपल टाइप भी कर सकते हैं www.ssc.nic.in। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपने पहले जो है SSC GD के लिए अप्लाई करना है तो आप उसी ID, यूजर नेम और पासवर्ड से जो है लॉगिन कर लीजिए। अन्यथा अगर आपने जो SSC GD के लिए अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पर जो यहाँ पर दिख रहा है आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, इस पर जो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया जो है पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है एक और पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पर आपको जो है चार स्टेप्स में ये फॉर्म जो है पूरा करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है आधार नंबर देना है, अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आधार नंबर दे दीजिए, यहाँ पर आधार नंबर दीजिए, यहाँ पर वेरीफाई आधार नंबर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर जो है वेरीफाई आधार, ये आपका जो है नहीं फिल करना है, सिंपल आधार नंबर यहाँ पर आप दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है प्रॉपरली अपना जो नाम भरना है जो कि आपका 10th मार्कशीट में है, फिर वेरीफाई नेम करना है, फिर यहाँ पर दोस्तों नो ही रह देना है क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि हैव यू एवर चेंज योर नेम, यानी आपने कभी अपना नाम जो है बदलाव किया है। यहाँ पर जो है फादर नेम, अगले में आपको जो है फादर नेम भरना है जो कि आपका 10th की मार्कशीट पे है, आप जो है 10th की मार्कशीट साथ में रखिए और उसी की जो है सारी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। फिर आपको मदर नेम, वेरीफाई मदर नेम, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कर देना है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन डिटेल यहाँ पर भरनी है कि आपने कौन से बोर्ड से जो है 10th पास किया है। फिर यहाँ पर जो है वेरीफाई करना आपको बोर्ड, यहाँ पर आपका जो है 10th का रोल नंबर यहाँ पर जो है एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वेरीफाई 10th रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग यानी कब आपने जो है 10th की है, उसके बाद वेरीफाई ईयर ऑफ जो है पासिंग कब आपने जो है मैट्रिकुलेशन की है। फिर यहाँ पर आपको जेंडर करना है, वेरीफाई जेंडर करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी आप कि जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दोस्तों मिनिमम जो है 12th होनी चाहिए क्योंकि ये 12th बेस पर फॉर्म है। अगर आपने यहाँ पर 10th कर दिया तो जो है आगे आपका जो है उसमें शो नहीं करेगा कि आपको जो है फॉर्म अप्लाई करने का, क्योंकि यहाँ पर जो है मिनिमम जो है आपकी क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए। उसके बाद अपना जो है एक सही मोबाइल नंबर जो कि अभी जो है फिलहाल वर्किंग हो उस पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आएगा। ईमेल यहाँ पर आपको अच्छे से भरनी है और यहाँ पर आपको जो है परमानेंट एड्रेस का स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जहाँ पर आप रह रहे हैं वो भरना है। तो मैं एक बार आपको जो है अपना जो है सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी जो है सारी डिटेल फिल कर ली है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल सेव पर जो है जैसे क्लिक करना है, जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को दिखाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो सही है। तो उसके बाद आपको सिंपल कन्फर्म पर क्लिक करना है, जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है बेसिक डिटेल सेव्ड और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। आपका पासवर्ड जो है आपकी ईमेल आईडी या फिर आपके मोबाइल नंबर पर आ गया है, जैसे ही हम इसे क्लोज करते हैं उसके बाद फिर से आपको जो है यहाँ पर लॉगिन करना है। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ईमेल भी आ गई है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये देखिए उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल जो है लॉगिन करना है। मैं आपको एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पर जो है अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करके जो है यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो मैं एक बार फिर लॉगिन हो जाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर जो है लॉगिन हो गया हूँ और यहाँ पर आपको जो है अब जो है अपना पासवर्ड रीसेट करना होगा। यहाँ पर आपकी जो है ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसके बाद ओल्ड पासवर्ड जो कि आपका मैसेज या फिर ईमेल पर आया है उसके बाद यहाँ पर आपको नया पासवर्ड बनाना है, जैसे कि ABC@123 इस प्रकार का पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना है। उसके बाद जैसे ही आप पासवर्ड बना लेते हैं उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो मैं एक बार फिर से आपके लिए जो है पासवर्ड बना लेता हूँ और इसके बाद आपको फिर से जो है लॉगिन करना होगा आपने जो नया पासवर्ड बनाया है उसके साथ। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपने नया पासवर्ड जनरेट किया था यानी जो ओल्ड पासवर्ड करके आपको नया पासवर्ड जो आपने बनाया था उसके साथ आपको यहाँ पर जो है लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है, तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपकी जो बेसिक डिटेल वो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आपको सिंपल अगर इसमें जो आपने
जो रजिस्ट्रेशन के वक्त की थी उसे अगर आप जो है एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है एडिट कर सकते हैं, वरना आप जो है सिंपल सेव कर सकते हैं। तो मेरी सारी डिटेल सही है तो मैं यहाँ पर जो है सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी जो है सारी डिटेल भरनी है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है कैटेगरी भरनी है, वेरीफाइड कैटेगरी, पर्सनैलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क, और यहाँ पर अगर आप पीएच हैं तो यहाँ पर जो है आपको भरना है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। और यहाँ पर आपको जो है अगर आप पीएच से बिलोंग करते हैं या फिर पीएच हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो आपको यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। तो मैं एक बार ये सारी डिटेल फिर से जो है फिल कर लेता हूँ अपनी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपनी सारी डिटेल यहाँ पर जो है फिल कर ली है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अपनी अगली डिटेल यहाँ पर जो है फिल करनी होगी, जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा, स्टेट रहेगी, डिस्ट्रिक्ट रहेगी, पिन कोड, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो यहाँ पर यस कर दीजिए। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर जो है सेव पर क्लिक करना है। तो मैं एक बार फिर से सब डिटेल जो है फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना जो है एड्रेस की सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर ली है। अब यहाँ पर आपको सिंपल सेव पर जो है क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और जो है विंडो आ जाएगी, जिसमें आपको जो है अपना फोटोग्राफ, यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। अगर आपने आधार नंबर जो है फॉर्म में नहीं दिया है तो आपको जो है अपना थंब इम्प्रेशन यहाँ पर देना पड़ेगा, लेकिन हमने जो है आधार कार्ड दिया है। तो यहाँ पर आपको फोटो और साइन अपलोड करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फोटो आपका होना चाहिए वो JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और 20 से 50 KB के बीच आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, और 10 से 20 KB के बीच आपका जो है सिग्नेचर या फिर आपका जो है थंब इम्प्रेशन आपका यहाँ पर 10 से 30 KB के बीच होना चाहिए। दोस्तों इसके बीच ही आप जो है हाई क्वालिटी का जो है अपलोड कीजिए, ताकि ब्लर होने के कारण आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पर जो है आपको, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना जो है फोटो अपलोड कर दिया है 20 से 50 KB के बीच JPG फॉर्मेट में, और सिग्नेचर जो है 10 से 20 KB के बीच JPG फॉर्मेट में। अगर यहाँ पर आपने अपना आधार कार्ड नहीं दिया है तो आपको जो है अपना थंब इम्प्रेशन यहाँ पर देना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको जो है सिंपल यहाँ पर जो है फाइनल सबमिशन करने से पहले आप जो है एक बार टेक ड्राफ्ट सेव टेक ड्राफ्ट प्रिंट पर जो है क्लिक कीजिए। जैसे ही आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही आप वो देखेंगे तो दोस्तों एक बार आपको जो है यहाँ पर फोटो नहीं दिखाई देगा। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर जो है सेव ड्राफ्ट पर जो है क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव ड्राफ्ट क्लिक करेंगे उसके बाद टेक ड्राफ्ट प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें आपका फोटो और साइन अगर जो है क्लियरली विजिबल हैं तो आपको जो है आगे सबमिट करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपका फोटो और साइन क्लियरली विजिबल नहीं है तो आपको जो है फिर से जो है अपना फोटो और साइन अपलोड यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर हमारे जो है बिल्कुल क्लियरली विजिबल हैं, तो हम जो है आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप एक बार देख लीजिए बिल्कुल सही है, और यहाँ पर जो फोटो का साइज है वो 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, किसी भी प्रकार के आपके जो है सिर पर कैप या फिर दोनों आपके कान जो है अच्छे से विजिबल होने चाहिए, सिग्नेचर आपका जो है ब्लैक पेन से होना चाहिए, और 10 KB के बीच आपका जो है सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दोस्तों कि जो सिग्नेचर है वो आपका जो है ब्लैक पेन से जो है होना चाहिए। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर जो है आई एग्री पर क्लिक करके जो है फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। ये देखिए फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी जो ईमेल आईडी और जो है मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो यहाँ पर दोनों में से कोई सा भी जो है यहाँ पर आपको एंटर करके सबमिट कर देना है। तो मैं एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे पास OTP आ गया है। तो मैं दोस्तों एक बार यहाँ पर जो है फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने OTP जो है यहाँ पर एंटर कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है रजिस्ट्रेशन बिल्कुल अच्छे से जो है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको जो है दोबारा लॉगिन करना होगा और जो है पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर जो है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है ओपन हो जाएगा सारी डिटेल। यहाँ पर आप जो है जो भी आपने अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर जो है दिखाई देगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या फिर इस प्राध्यापक के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। और दोस्तों हमको जो अप्लाई करना है वो यहाँ पर करना है स्टेनोग्राफर ग्रेड C&D। अगर आपने इसका नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करके जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। ये देखिए ये अप्लाई का बटन आपको दिख रहा है, इस पर आपको जो है
क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है प्लीज़ कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई, यानी जो रजिस्ट्रेशन है आपकी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर से लॉग आउट करके फिर से जो है लॉगिन करना होगा। तो मैं एक बार वीडियो को पॉज करके जो है लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जो है अप्लाई पर क्लिक किया है दोबारा से लॉगिन करके, तो यहाँ पर जो है सारी डिटेल शो कर दी है और यहाँ पर जो है अच्छे से विजिबल लिखा हुआ है कि प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपको जो है अगर यहाँ पर आपकी कोई भी जो है गलती हो गई तो वो जो है दोबारा से मॉडिफाई नहीं होगी। तो एक बार आप जो है अपनी सारी डिटेल जो है चेक कर लीजिए 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर जो है अपनी सारी डिटेल चेक कर ली है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना जो है प्रेफरेंस सेट करना है एग्जामिनेशन सेंटर का। तो एक बार मैं वीडियो को यहाँ पर आपको जो है 3 सेंटर चूज करने हैं, 1, 2 और 3। उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल भरनी है कि वेदर यू हैव एक्स सर्विसमैन और नॉट। तो यहाँ पर कंफर्म, यहाँ पर आपको जो है आगे ये एक्स सर्विसमैन है तो आपको ये सब डिटेल्स भरनी है, और अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पर जो है नहीं कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो है स्क्राइब मीडियम लेना है, आपको जो है SSC का जो स्किल टेस्ट होगा उसके लिए। तो यहाँ पर जो है आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक को जो है चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है 19th में आपको जो है पोस्ट अप्लाइंग फॉर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ पर फिल कर सकते हैं कि स्टेनोग्राफर ग्रेड C के लिए अप्लाई करना है, ग्रेड D के लिए या फिर बोथ के लिए। तो मैं यहाँ पर बोथ जो है सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है पोस्ट अप्लाइंग फॉर पर आपको जो है फिर से जो है वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है अगर एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आप यस कर देना वरना नो कर देना। उसके बाद यहाँ पर जो है अगर आपने यस किया है तो आपको ये सारी डिटेल भरनी पड़ेगी कि आपको जो है एज रिलैक्सेशन कोड SC ST या फिर OBC या फिर एक्स सर्विसमैन से आप हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है डू यू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब, यानी आप जो है जॉब अलर्ट्स के नोटिफिकेशन चाहते हैं अपनी ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पर, अगर चाहते हैं तो यस वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेट करनी है, आप जो है BA जो भी आपके पास जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी 10+2 है। उसके बाद आपकी जो है यहाँ पर सारी डिटेल्स आ गई है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कैप्चा एंटर करके यहाँ पर जो है सबमिट कर देना है या फिर आप प्रीव्यू भी ले सकते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपके सामने जो है एक और पेज ओपन हो जाएगा, ये देखिए। तो दोस्तों सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको जो है सबमिट करना है। सबमिट के बाद आपसे पूछेगा कि आप जो है वहीं पर प्रिंट करना चाहते हैं या फिर जो है आप फीस भी अभी पे करना चाहते हैं। तो यस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे पेमेंट पेज पर। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप किसी भी मोड में जो है आप पेमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर हम जो है ऑनलाइन मोड में पेमेंट करते हैं। तो ऑनलाइन करके आपको जो है सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप जो है सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक और पेज यहाँ पर जो है रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो आपको न तो रिफ्रेश करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिंपल जो है किस चीज़ से आप जो है पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग कार्ड पेमेंट, स्टेट बैंक कार्ड पेमेंट, अदर बैंक डेबिट कार्ड। तो हम दोस्तों यहाँ पर अदर बैंक डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देंगे। आप जो है यहाँ पर किसी भी बैंक से जो है पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो है रजिस्ट्रेशन ID दी होगी और जो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल यहाँ पर दी होगी। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो है कंफर्म पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है पेज आ जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो है अपना फॉर्म अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, बिल्कुल फीस पेमेंट भी कर दी है और जो फीस है वो भी कंफर्म हो गई है, सक्सेस वहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी जो है ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पर नहीं आया है और ट्रांजैक्शन डेट अभी नहीं आई है। तो 24 या 48 घंटे के बाद फिर से आपको जो है प्रिंट करना है और उसमें जो है आपकी ट्रांजैक्शन फीस या फिर सब कुछ आ जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D के लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी दिक्कत अगर आपको आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको सच में लगा है कि हमें जो है इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिली है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।